क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी जॉब तो ठीक चल रही थी, फिर क्यों छोड़ना चाह रहे हो जॉब? क्या बताऊं भाई, बड़े मसले हैं इस कंपनी में, और 2 साल से सैलरी का 1 रुपया तक नहीं बढ़ा है। बस मैंने फैसला कर लिया, अब अपनी किस्मत कहीं और आजमाऊंगा। जो करना सोच समझ के करना। हाँ बोलो सुंदर, फोन किया। क्या फिर से? क्या हुआ अम्मी, रूमी ठीक तो है? सुंदर मैं तुमसे बाद में बात करती। अम्मी आप चुप क्यों हैं? बच्चे के माँ बाप तो मिल गए थे ना, तो अब क्या कह रही है सुंदर बाजी? अच्छा तो तुम्हें पहले से पता था, कोई बात नहीं रहती देखने की मम्मी। आप जोया को हर वक्त क्यों डांटती रहती हैं? आजकल के जमाने में किसी से कोई बात छुपती है क्या? अम्मी मुझे सिर्फ ये बताएं सुंदर बाजी क्या कह रही थी, वरना मैं खुद असद से पूछता हूँ। तुम तो यही कहोगे ना, तुम्हारी सांसें जो अटकी हुई अब तक वहाँ, तो सुन लो तुम्हारी नीसी दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए रवाना हो। क्या? हाँ सुंदर ने बताया 3-4 दिन में रवाना हो रही है मैडम। अच्छा है, तूफान हो जाए हमारी जिंदगियों से। अरे नहीं नहीं नवी साहब, शुक्रिया तो हमें रूमी का अदा करना चाहिए, हमें तो बस उसकी कामयाबी अजीज है। जी जी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। लो भाई नवीद साहब ने तो तुम्हारी तैयारियां वहां शुरू कर दी, मैं तो तुम्हारा टिकट आज ही बुक करा देता हूँ। शाजिया तो अभी से इंतजार कर रही है वहाँ। रूमी तुम्हारी कामिल से कोई बात हुई है? मुझे देर हो रही है अम्मी, मैं वॉक पर जा रही हूँ, फिर वहाँ से ट्रेनिंग पे भी जाना है। आप लोग परेशान मत होना, बस उस बच्ची का ख्याल रखना। So sorry, तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि वापस घर में नहीं है। ये जूस तो पीती जाओ। अब कामिल का जिक्र छेड़ने का कोई फायदा नहीं है नायला। अकेला छोड़ दिया, पता नहीं कब से रो रहा होगा। हेलो कोई है? क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, अपनी माँ पर? एक माँ ही अपनी औलाद की खातिर इस हद तक जा सकती है, क्योंकि आप हर कीमत पर मुझे घर वापस लाना चाहती थी। नफरत थी आपको सबा से, इसीलिए आपने इतनी घिनौनी साजिश रची है। झूठ है सब, मैंने कोई साजिश नहीं की तुम्हारे खिलाफ। झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों किया मामा आपने ऐसा? अपनी सिद्ध की खातिर आपने मेरी जान तक दाव पर लगा दी। सबा को छीन लिया मुझसे, आप ऐसा कैसे कर सकती है मामा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हारी जान दांव पर लगाऊंगी, ये बात तुमने सोची भी कैसे? हाँ मैं अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खतरे में कभी नहीं डाल सकती। तुम्हारा एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। केस की फाइल क्यों बंद करवाई थी? क्या बात छुपाना चाहती थी आप? अब चुप क्यों हो गई मामा? जवाब दे, क्या छुपाना चाहती थी आप? प्लीज मेरी बात सुन। हाँ छोड़ो। रूमी मैं तुम्हारी नजरों में इतना गिर गया हूँ कि तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं मेरे लिए। रूमी तुम्हें हमारे प्यार की कसम। तुम ठीक थी रूमी। तुम दूसरों की बातों में आकर बच्ची किसी और के हवाले कर दी। वो कभी भी अपने माँ बाप के पास ना पहुंचे। इस बात पे फख्र है मुझे तुम और हमेशा रहेगा। मेरा फख्र आप। प्लीज अपने दिल से बदबू मारने निकाल दो। गलतियां इंसानों से होती है, मुझे माफ कर दो। काश कैसा हो सकता, लेकिन अब बहुत देर हो गई। मैंने दोबारा क्रिकेट खेलने का फैसला किया और परसों जा रही हूँ। जानता हूँ हो तो शायद रोकने के लिए आए मुझे। हाँ रोकने के लिए नहीं, एक और मौका मांगने के लिए। तुम शादी के बाद भी तो कैंप ज्वाइन कर सकती हो। और ऐसे भी बच्ची वाला मामला तो हल हो गया। नामुमकिन है। वो मासूम बच्ची शायद मेरी जिंदगी में आई इसीलिए थी ताकि हमारे रिश्ते का इम्तिहान ले सके। और वैसे भी एक बार तो आपके लिए अपने करियर को कुर्बान कर चुकी हूँ, लेकिन दूसरी बार गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज ऐसे ना करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज रूमी। मैं कुछ नहीं छुपाना चाह रही। तुमने केस की फाइल रीओपन करवानी है ना तो करवाओ शौक से। सच और झूठ सामने आ जाएगा, लेकिन मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी। सबा की मौत की जिम्मेदारी मैं है। हेलो। हाय रोहान। हाय रूमी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, तुम बताओ। क्या मिल सकते हो अभी? ठीक है, कहाँ हो तुम? केस की फाइल क्यों बंद करवाई थी? क्या बात छुपाना चाहती थी? क्या छुपाना चाहती थी आप? महमूना बता रही है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। दुख भूख कर निकल जाया करता है। जाहिर है जिस बेटे से इतनी उम्मीदें हों और वही बेटा माँ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे तो होता है ना माँ। कहती थी मैं आपको, रोहान का दिमाग उलट चुका है, वो अब कभी भी हमारी हमदर्दी में फैसला नहीं करेगा। लेकिन आपको मेरी बात ही नहीं समझ आई। अब देख लें, सबा के कत्ल का इल्ज़ाम भी उसने आप पर लगाया। कल को वो ये भी कह सकता है कि उसकी बच्ची भी आप ही की वजह से मरी। उसे यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। गलतफहमी उसे नहीं आपको है। वो कल भी सबा की मोहब्बत में पागल था और आज भी इतना ही पागल है। अब भी वक्त है मामा, आप उसे यहाँ से रवाना कर दें। ऐसा ना हो कि वो हमें मज़ीद कोई बड़ा नुकसान पहुँचाए। ये तो गुड न्यूज़ है रूमी, कंग्रेट्स। आई थिंक उस बच्ची की मदद करने का ही सिला मिला है तुम्हें। बाबा ने भी मुझसे यही कहा, लेकिन मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। दिल कहता है काश एक दिन और रुक जाती मेरे पास। आई नो, ये तो होना ही था। आई मीन वो बच्ची 2 महीने से तुम्हारे साथ थी। हाँ, लेकिन तुम क्यों इतने अपसेट हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ, सबक की याद आती होगी ना। जिंदगी ऐसी है रोहान, इंसान जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता वही हो जाता है। लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। मोहब्बत इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ी जाती ना रूमी। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं अपने करियर को अपनी मोहब्बत पर तरजीह दे रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि तुम एक सुपरस्टार क्रिकेटर बनो, और तुम ये कर भी सकती हो बिकॉज तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम सही कर रही हो या गलत, क्योंकि उसका जवाब सिर्फ तुम्हारा दिल दे सकता है। तुम्हें मैं अब दिल की नहीं सुनूंगी, वरना मेरे कदम दोबारा रुक जाएंगे। और अब मैं रुकना ही तो नहीं चाहती, क्योंकि अब इम्तिहान कामिल की मोहब्बत का है। अगर उसको मुझसे सच्ची मोहब्बत होगी तो वो मेरे वापस आने का इंतजार जरूर करेगा। तो ठीक है, उठो और जाने की तैयारी करो। लेट्स गो। लेट्स गो। अम्मी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी नौकरी? इतनी अच्छी जगह तो लगे हुए थे। अरे अम्मी जान, समझा करें, कभी कभार 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अंजुम, अगर दूसरी जगह नौकरी नहीं मिली तो इस घर के खर्चात कैसे पूरे होंगे? अकेले कामिल की तनख्वाह में तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, भाई ने फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री दी हुई है, उनको तो कोई भी जॉब हाथों हाथ मिल जाएगी, वो भी अच्छी पोस्ट पे। तो बस कल ही से नौकरी ढूंढना शुरू करो। अगर कामिल का रिश्ता तय हो गया ना तो शादी पर खुला हाथ रखना है ना। कामिल भाई का रिश्ता? उसका भी तो घर बसाना है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे रिश्ते की बातें हो रही थी। आओ खाना खाओ। आए भाई, अम्मी ने तो आपके लिए लड़कियां भी ढूंढना स्टार्ट कर दी हैं। और क्या, कामिल का घर भी तो बसाना है ना। मैंने तो एक लड़की भी पसंद कर ली है, अमीर खानदान की पढ़ी लिखी लड़की है। कल शाम को ऑफिस से जल्दी आना, वहीं हो आएंगे। सुंदर भी साथ चलेगी। अम्मी, मैं कोई रिश्ता देखने नहीं चाहूंगा। आप और सुंदर बाजी प्लीज मेरे पीछे छोड़ दो। अरे नायला, वो रूमी की तैयारी तो मुकम्मल हो गई ना? जी, कल सारा दिन लगा के उसने पैकिंग कंप्लीट की थी। अच्छा, तुम जाओगे ना उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए? अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं छोड़ दूंगा उसे। ये लीजिए, मैंने आज आप सबके लिए अपने हाथों से खीर बनाई है। मगर किस खुशी में? अपने हाथों से मुँह मीठा करवा के जाना चाहती है ना वो सबका। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत सी कामयाबियां दे मेरी बेटी को। आमीन। जरा चक्के तो देखे कि खीर बनी कैसे। भाई, सही बताइएगा। थैंक यू। भाई खीर तो बड़ी मजे की बनाई है। अरे यार कम से कम सुंदर को भी सिखाती जाओ। भाभी तो पहले से ही बहुत कुछ सीख के आई हैं। मुझे किसी से कुछ सीखना भी नहीं। आप कल ऑफिस से जरा जल्दी आ जाइएगा, मुझे अम्मी के घर जाना है। क्यों, खैरियत? हाँ, वो अम्मी ने कामिल के लिए लड़की देखी है ना, बस वही देखने जाना है। आप आ जाइएगा इस टाइम से। लाओ भाई लाओ खीर, मुझे भी तो चखाओ ना यार। शाजिया को बता दिया था कि तुम्हें आके पिक कर ले एयरपोर्ट से? जी भाई, बात हो गई थी मेरी। क्या बात है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? चेहरा उतरा हुआ तुम्हारा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम ओके। नो यू आर नॉट। रूमी, मैंने सुंदर को बहुत डांटा है। उसे तुम्हारे सामने कामिल के रिश्ते की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब ये बातें सामने हो या पीछे, क्या फर्क पड़ता है। बहुत मान था कामिल पे, लेकिन अब वो भी टूट गया है। रोमी, कामिल अभी तुमसे प्यार करता है। ये जरूर है कि आंटी ने उसे जबरदस्ती की होगी। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। नहीं भाई, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला था तुमको साफ करने को। हाँ, ये लो रखो। बाजी अल्लाह के नाम पे दे दे, बाजी अल्लाह के नाम पे दे दे। ओए रुको। हेलो रोमी, 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 बच्ची है, ये बच्ची मेरी है। कैसे आप हम जानती हूँ ये गुड़िया है, हम जानते हैं बच्ची इसकी है। अरे मुझे बात करने दो, मुझसे बात करो। ए बाबू साहब, ये बच्ची इसकी है। अभी पता चल जाता किसकी बच्ची है। एक मिनट अभी बता देता हूँ मैं। रोहान मेरी बात सुनो। रोहान रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ठहरो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? क्या साबित करना चाहते हो? इस तरह भूखा रह के अपना मुंह मुझसे मोड़ के तुम ये साबित करना चाहते हो कि मैं कसूरवार हूं? तुम्हें यकीन क्यों नहीं है रोहान? मैं बेकसूर हूं रोहान। का फोन आया, कह रही थी एयरपोर्ट जाकर फोन करेगी। नहीं ना, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ। ना रूमी की कॉल आई है ना शाजिया की। अब तक तो एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। हाँ। अरे देखो रूमी की कॉल आ रही है। असद है। असद। हेलो असद, क्या लेके जाओ इनको, बंद करो लॉकअप में। इनके पूरे गैंग को जड़ से खत्म करूंगा। चलो साहब, साहब नहीं, साहब हमारा कोई गैंग नहीं है साहब। साहब हम उनके साथ हमदर्दी कर रहे थे। साहब हम गरीब आदमी है साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। साहब रहम करो। इरशाद साहब, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आपसे चूक हुई कहाँ। बकौल आपके तो वही उसके असली माँ बाप थे ना। हाँ, और आपने तो तफ्तीश भी की थी ना। फिर बस क्या करें ऐसा साहब, हो सकता है उस बच्ची के असल माँ बाप वही हो और उनकी मर्जी से ही बच्ची को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। मैं नहीं मानता सर, अगर वो उसके असली माँ बाप होते तो इस वक्त यहाँ थाने में मौजूद होते, यूं बच्ची को छोड़कर मुंह छुपाकर भागते नहीं। खैर सवाल ये उठता है कि इस बच्ची का करना क्या है। इसका फैसला तो रूमी नहीं करना है। रोना नहीं। बेटी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? जी बोलिए। मैंने 30 साल की सर्विस में बड़ी दुनिया देखी है, बड़े गुनाहगार देखे, बड़े बेगुनाह देखे, जराइम पेशा, हालात से मजबूर लोग, बड़ा कुछ देखा। बेहिसी की मैंने वो तस्वीर देखी है जिसे आम लोग नहीं देख सकते। खून के रिश्ते जो एक दूसरे के खून के पैसे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। बेटा ये बच्ची आपको पार्क में मिली, इतने सारे लोगों की मौजूदगी में सिर्फ आपके दिल में हमदर्दी पैदा हुई और आपने नेकी की नियत की। फिर आप इस बच्ची को बना देने के लिए अपने घर ले गई। 2 बार इसके माँ बाप होने के झूठे दावेदार आए। तुम जान छुड़ाना चाहती तो इसे भेज देती, लेकिन तुमने इसे तहफ़्फ़ुज़ देने पर तरजीह दी। और आज 2 करोड़ लोगों की आबादी के इस शहर में ये फिर तुम्हें ही नजर आए। ये क्या है? इत्तेफाक है। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं तो तुम्हें वो इशारे दिखाना चाह रहा हूँ जो तुम्हें वो बताना चाह रहा हूँ। उसने इस बच्ची का नसीब तुम्हारे साथ जोड़ दिया है, इसीलिए ये बच्ची घूम फिर के तुम्हारे ही पास आ जाती है। तुम कितना भी दूर जाना चाहो खुद को इससे अलग नहीं कर सकते। अल्लाह की रजा को समझो बेटा और इसे हमेशा के लिए अपने दामों में फना करो। मगर हमारी जिंदगी, हमारी ख्वाहिशें, हमारी चाहतें, ये सब हमें नजर आते हैं, लेकिन हमारे लिए बेहतर क्या है इसका फैसला वो करता है। इस बच्ची की जिंदगी की बेल तुम्हारे हाथों परवान चढ़ेगी, उसकी चाहत है, और उसकी चाहतों के आगे हम अपनी चाहतें परवान करेंगे तो उसकी बारगाह में सुर्खू होंगे। रूमी भाई वो कहाँ गए? वो कौन? अभी यहाँ एक हवालदार अंकल खड़े थे, वो कहाँ गए? पता नहीं। देखो रोमी, अभी भी वक्त है। अभी अगर हम एयरपोर्ट के लिए निकले तो तुम्हारी फ्लाइट पकड़ सकते हैं। प्लीज चलो। नहीं भाई, हम वापस घर जाएंगे। जी बाबा। तभी रोमी की नजर इस बच्ची पे पड़ी। हम दोनों तो खुद ही शौक थे कि ये बच्ची आखिर उस भिखारी औरत की गोद में कैसे जा पहुंची। भिखारी औरत? जी हाँ बाबा। दरअसल उस भिखारी औरत का ताल्लुक बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह से है, इसीलिए हमने पुलिस को बुलाया और उन सबको थाने ले गए। लेकिन असद, बच्ची को तो इसके माँ बाप लेके गए थे, ये भिखारियों के हाथ कैसे लग गई? अम्मी, इसीलिए तो मैंने इंस्पेक्टर इरशाद को खरी खरी सुनाई है, क्योंकि उसी की तस्दीक पे हमने उन फ्रॉडियों पे भरोसा किया था। इसका मतलब है कि पहले की तरह ये माँ बाप भी फ्रॉडिये थे। और पुलिस वाला, वो भी मिला हुआ था उनके साथ? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। वो इंस्पेक्टर तो बहुत अच्छी तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। दरअसल वो फ्रॉडिया पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे आए थे, और सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पुलिस वालों की आंखों में भी धूल झोंका है उन्होंने। न जाने कितने पैसों में इस बच्ची को उन्होंने बेचा होगा और फिर इसे सड़कों पे फहराया गया सिर्फ भीख मांगने के लिए। तौबा है, तौबा है। इतनी सी बच्ची पे इतना बड़ा जुल्म करते हुए को खौफ खुदा भी नहीं आता इन लोगों को। अल्लाह ही हिदायत दे। खुदा ने बड़ा करम किया है, हमारा सिग्नल पे रुकना, गुड़िया को दोबारा देखना, फिर से मिलना, ये सब कुछ एक बहाना बन गया। वरना हम तो इसी धोखे में रहते कि अपनों के दरमियान खुश हो गए। बाबा, अब तो मेरे यकीन पुख्ता हो गया कि रोज़े अव्वल से ये बच्ची मेरे नसीब में लिखती गई है, क्योंकि मैं जब भी इसे खुद से दूर करती हूँ ये खुद ब खुद मेरे पास आ जाती है। बेटा, तुम्हें तो इस्लामाबाद पहुँचना था आज, तुम्हारा करियर स्टार्ट हो रहा है। आप यूं समझ लें, आपकी बेटी ने इस बच्ची की खातिर अपने करियर को कुर्बान कर दिया। एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम, माना कि इम्तियाज साहब का बोर्ड में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, बट आई डोंट थिंक कि वो आपको हेल्प करेंगे। ये सोचना मेरा काम है। ओके जी। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपको सारी पोजीशन क्लियर कर चुका हूँ। हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज में अब आपकी वापसी मुमकिन नहीं है। आपको समझ क्यों नहीं आती? सब जानते हैं कि रोहान के इनकार के बाद चेयरमैनशिप की कुर्सी के ऊपर कौन निगाहें जमाए बैठा है, इम्तियाज साहब। और मेरे और रोहान के बाद इस ग्रुप ऑफ कंपनी में सबसे बड़े मेन शेयर होल्डर तो आप ही हैं। चेयरमैन का फैसला बोर्ड डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं। और अगर मैं इस फैसले के खिलाफ अपने तमाम शेयर्स बेच दूं तो इस ग्रुप ऑफ कंपनी के तमाम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जानते हैं व्हाट? आप ऐसा नहीं कर सकती। इस कंपनी के साथ आपके वालिद साहब का नाम जुड़ा हुआ है। तो फिर तो इस कंपनी को रोशन और खराब करने का हक भी सिर्फ मुझे ही हासिल है। यू कैन डू दिस। शेयर्स की मालिक आपकी वालदा साहिबा ज़ीनत बेगम है, आप नहीं। कुछ भी कहने से पहले आप ये फाइल पढ़ लीजिए। अब तो यकीन आ गया होगा ना? आप हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। I'm sorry इम्तियाज साहब, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अब आप वही करें जैसा मैं चाहूँगी। आज ही मीटिंग कॉल कीजिए और मुझे को चेयरपर्सन के लिए नामजद करें अपनी सिफारिश के साथ। वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं पिछले आधे घंटे से इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा हूँ। काइंडली आप एचआर में कंफर्म कर लीजिए कि कब जाना है मुझे। मिस्टर अंजुम देखिए, जॉब इंटरव्यू के लिए थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। आप प्लीज वेट करें, मैं एचआर से कंफर्म कर देती हूँ। ओके? Excuse me, अंधे हो? I'm sorry. तुम? अरे आप, what a pleasant surprise. दिखाई नहीं देता तुम्हें? वैसे ये बात मैं आपसे भी कह सकता हूँ, लेकिन I'm sorry. देख क्या रहे हो? फाइल दिखा कर दो मुझे। Sure. Idiot. तुम्हें कहाँ से उठ के आ जाता? एक्सक्यूज मी मिस्टर अंजुम, एचआर मैनेजर से मेरी बात हुई है। मीटिंग अंदर रूम में चल रही, काइंडली आप अंदर चले जाएं। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी? यस। ये जो मोहतरमा अभी मुझसे बात कर रही थी, कौन है ये? वो मिस महाम, वो मिस्टर रोहान हसन की बहन है। ओके, थैंक यू। वेलकम। अरे ओ जोया, तैयार हो गई? हाँ अम्मी, तैयार हो रही हूँ। और आपको कितनी दफा खाए मेरा फेस पाउडर मत लिया करें। तौबा है तुमसे, जरा सी चीज इस्तेमाल कर ले तो उधम बचा देती है। कामिल को फोन किया? शाम तो हो चुकी है। की थी मैंने कॉल, लेकिन वो मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अम्मी को बोलो खुद जाए लड़की देखने, क्योंकि उनको वैसे भी शादी नहीं करनी। या खुदा, इस लड़के को कब अक्ल आएगी? आने दो सुंदर को, उसके साथ जाकर रिश्ता तय कराती हूँ। देखती हूँ कैसे नहीं करता शादी। अम्मी जाके देखें, बाजी आ गई होंगी। मैं जरा जब तक टचअप कर लूं। ठीक है, जल्दी आओ, देर हो रही है। जल्दी आना। अभी मैं इंटरव्यू देकर ऑफिस से घर आ रहा था तो मुझे सुंदर बाजी की कॉल आ गई। उन्होंने बोला कि मुझे भी साथ लेते चलो, तो मैं उन्हें साथ ले आया। अच्छा किया। क्या हुआ इंटरव्यू का, मिल गई नौकरी? अभी कहाँ अम्मी, अभी तो अप्लाई किए, दुआ करें मिल जाए। अम्मी किधर है कामिल? दिखाई नहीं दे रहा। जी अम्मी, जिन जनाब के लिए लड़की देखने जा रहे हैं वो किधर हैं? जोया ने फोन किया था कामिल को, लेकिन उसका वही नाटक, साफ कह दिया कि मैं अकेली लड़की देखने चली जाऊं। मैंने भी अब फैसला कर लिया, चाहे जबरदस्ती से कामिल की शादी करवा कर ही दम। मुझे पहले यकीन था अम्मी कि यहाँ आऊंगी तो कोई ना कोई तमाशा जरूर देखने को मिलेगा। पता नहीं हमने कौन से गुनाह किए हैं जो ये लोग हमारे मत्थे लगे हैं। यहाँ आओ तो भाई साहब शादी के लिए राजी नहीं है, और वहाँ वो करम जली, वो बच्ची उठाकर फिर घर ले आई। क्या कह रही थी बाजी आप? रूमी तो क्रिकेट खेलने जा रही थी। हाँ, अरे भाई वहां तो गंगा ही उल्टी बह रही है। नहीं यकीन आता, मैं तुम्हें स्टोरी सुना दूं। अरे भाई वो पागल। अम्मी आप ये वो सुंदर से कहा था कि बच्ची का फीडर बना दे, तो उसे मैके जाने की जल्दी थी तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। हाँ आज उन्हें जाना था कामिल के रिश्ता देखने के लिए। एक बार फिर सोच लो रोमी, अभी वक्त है तुम्हारे पास। इसके लिए थैंक यू अम्मी।